हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड की रिजल्ट कब तक आएगी। बिहार बोर्ड 10th और 12th की जो एग्जामिनेशन हुई है 2020 में, वो रिजल्ट कब तक आएगी। तो देखिए, मैं आपको हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि देखिए, यहां बिहार बोर्ड 2020 जाने क्या इसमें आएगा रिजल्ट, बिहार बोर्ड के इंटर रिजल्ट। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे कब तक आने की चांस है, पिछले साल कब तक आएगी और किस वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो को हम शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखेंगे। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है बिहार बोर्ड रिजल्ट 2020 जाने क्या इसमें आएगा बिहार बोर्ड का इंटर का रिजल्ट। तो देखिए, ये मंथ चल रहा है, मार्च महीना चल रहा है। तो मार्च मंथ में जो है कॉपी जाँच आप लोगों की, जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉपी जांच चालू हो चुकी है। तो नीचे में देखिए क्या दिया गया है, बिहार बोर्ड रिजल्ट 2020। पिछले साल बोर्ड ने इंटरमीडिएट के नतीजे 30 मार्च को जारी कर इतिहास रच दिया था। पिछले ईयर जो था 2019 में फ्रेंड्स, वो 30 मार्च को रिजल्ट आ चुकी थी, जो अभी तक का सबसे पहले रिजल्ट जो है 2019 में भी आया है 30 मार्च तक। तो देखिए, इस बार जो है 30 मार्च तक आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, क्योंकि ये रिकॉर्ड ही रहा अभी तक बिहार बोर्ड का 30 मार्च तक आना जो है, ये आज तक का सबसे बड़ी रिकॉर्ड रही कि 30 मार्च को पहली बार ही इतना पहले रिजल्ट बिहार बोर्ड दिया है। अब इस साल शिक्षकों की हड़ताल के चलते मूल्यांकन में हो रही देरी से नतीजे मार्च में जारी करना बिहार बोर्ड के लिए चुनौती बनी हुई है। तो अब देखिए, 30 मार्च जब तक लास्ट है, 30 मार्च तो लास्ट में ही आता है, 30-31 दो रोज हुआ तो ये लास्ट में ही आती है। तो 30 मार्च जो है लास्ट में ही कुछ तो लेट होगी, तो आप लोगों का रिजल्ट जो है अप्रैल तक आने की संभावना है। और इसकी वजह यह है कि अब इस साल शिक्षकों के हड़ताल के चलते मूल्यांकन में हो रही देरी से नतीजे जारी करना बिहार बोर्ड के लिए चुनौती बनी हुई है। हालांकि इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन तो पहले से ही शुरू हो चुका है, इंटर का जो कॉपी का मूल्यांकन है फ्रेंड्स, वो बहुत पहले से चालू हो चुका है, लेकिन ये 4-5 मार्च से जो है जो 10th का जो है एग्जाम चालू सॉरी कॉपी जाँच का जो है चालू हुई है। लेकिन इसमें जो है पूर्ण रूप से कॉपी जाँच अभी नहीं हो रही है, क्योंकि शिक्षकों का हड़ताल चल रहा है। बताया जा रहा है कि अधिकतर केंद्रों पर 50% से, तो यहाँ दिया गया अधिकतर केंद्रों पे 50% से भी कम शिक्षकों का मूल्यांकन में योगदान है। तो देखिए, कॉपी जांच तो आप लोगों की हो रही है, बट उसमें क्या है कि कॉपी जांच जो है सारे टीचर जो है उसमें योगदान नहीं दिए, बहुत ही कम स्तर पे कॉपी जांच हो रही है और कम नंबर में कॉपी जांच हो रही है। तो थोड़ा सा लेट लग सकते हैं, क्योंकि पिछले साल जो है 30 मार्च को रिजल्ट घोषित हुई थी, इस बार 30 मार्च के लेट भी हो सकती है। अगर कॉपी जांच फिर से अगर फास्ट हो जाए, मूल्यांकन अगर तेजी से की जाए, तो 30 मार्च से तक जो रिजल्ट आ सकती है। तो बिहार बोर्ड जो है इसको लेकर बहुत ही सख्त है कॉपी जांच को लेकर के। तो देखिए कब तक रिजल्ट आती है, लेकिन 30 मार्च जो है पिछले साल का रिकॉर्ड रहा है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है, बताया जा रहा है कि 50% से भी कम शिक्षकों ने मूल्यांकन में योगदान दिया है। बिहार बोर्ड के सूत्रों के माने तो भागलपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा और औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण आदि जिलों में भी 50% से भी कम परीक्षकों ने मूल्यांकन में योगदान दिया है। तो देख सकते हैं कि अभी 50% से भी कम टीचर्स जो है शिक्षक मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इस वजह से कॉपी भी लेट है, कॉपी भी लेट से जाँच की जाएगी, लेट तक जाँच की जाएगी, तो इस वजह से रिजल्ट में भी थोड़ी सी देरी हो सकती है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी बिहार बोर्ड की तरफ से, वो मैं आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां दिया गया है इंटर मूल्यांकन 26 फरवरी से शुरू किया गया था। इंटर मूल्यांकन जो हो रही है वो 26 फरवरी से ही हो रही है। हर दिन कॉपी जांच 10 बजे से शाम 5 बजे तक चेक हो रही है। इस बीच शिक्षकों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। पटना जिले में इंटर मूल्यांकन के लिए 7 केंद्र बनाए गए हैं, वहीं बाकी सभी जिलों में 5 से 6 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 26 फरवरी से जो है 12th की कॉपी जाँच चालू है, और इसमें जो है, और देखिए यहाँ पे 10th की कॉपी जांच कब से चालू है, तो बाकी सभी जिलों में 5 से 6 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। बिहार बोर्ड की माने तो छात्रों की संख्या के अनुसार मूल्यांकन केंद्रों की संख्या निर्धारित की गई है। इस साल बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू हुई थी। तो आप सभी को पता है कि इंटर की परीक्षा जो है 3 फरवरी से शुरू हुई थी, जिसमें जो है 12,05,390 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बोर्ड ने इसके 1,283 परीक्षा केंद्र बनाए थे, इसमें 82 परीक्षा केंद्र पटना जिले के। जो ये सब न्यूज है ये मैं वैसे बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग अगर रिजल्ट आती है तो सबसे पहले मैं इस चैनल पर आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा, और आप अगर आती है तो आप कहाँ से देख सकते हैं अपने फ़ोन से भी। तो देखिए, यहाँ पर देगा आपको बता दें कि पिछले साल बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट 2019 कला, विज्ञान, वाणिज्य और वोकेशनल का रिजल्ट एक साथ बिहार बोर्ड की वेबसाइट, तो आपको जो बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.biharboardonline.bihar.government.in पर आप जारी किया गया था, तो आप इस पर जाके देख सकते हैं। लेकिन साइट क्रैश होने के बाद 2-3 साइट पर आती है, वो मैं आपको डिटेल से एक वीडियो को लास्ट में वीडियो को बाद में एक आपको दिखाता हूँ, अपलोड करके बता दूंगा कौन कौन सा लिंक है, वो मैं उस पर मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अब तक जो है
उसमें इस वीडियो का मेन मकसद था कि रिजल्ट कब तक आ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 मार्च पिछले साल हाईएस्ट जो है रिकॉर्ड बना था, 30 मार्च जो है सो पहली बार बिहार बोर्ड अभी तक जो है इतना सवेरे रिजल्ट घोषित किए थे, लेकिन इस बार जो है मूल्यांकन में देरी होने के कारण 30 मार्च से ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर मूल्यांकन में तेजी आएगी तो उससे पहले 30 मार्च तक भी रिजल्ट दे सकती है, तो इसका भी कोई संभावना नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ पर बिहार बोर्ड इंटर 2000 रिजल्ट में बेटियों का दबदबा रहा था, जिसमें प्रदेश के 14 जिलों में बेटियों का रिजल्ट बेहतर था। इन जिलों में 90% से भी अधिक छात्राएं पास की थी। तो जो रहा फ्रेंड्स, ये है हिंदुस्तान के पेपर के न्यूज की कटिंग थी जो आज आई है, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहा कि इस रिजल्ट कब तक आएगी। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप इस चैनल पर न्यूज इससे बिहार बोर्ड से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।